अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गेहूं को लेकर पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण संकट है। दरअसल इस युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई देशों में गेहूं की भारी कमी हुई है। गेहूं की कमी और विवाद के बीच अफ्रीकी देश मिस्र भारत के साथ एक समझौता कर रहा है। इस समझौते के तहत वह अपने देश में भारत से 5 लाख टन गेहूं मंगवाएगा। इसके बदले में वह भारत को उर्वरक सहित अन्य उत्पाद भेजेगा। दरअसल मिस्र गेहूं संकट से जूझ रहा है, यही कारण है कि वह भारत से गेहूं मंगवाने के बारे में बातचीत कर रहा है। इस बीच भारत में उर्वरक की कमी है, इस कारण इस डील से भारत को भी उर्वरक मिल जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रक के ट्रक जो गेहूं से भरे हुए थे वह बंदरगाहों पर खड़े हुए थे। हालांकि भारत ने इस प्रतिबंध में कुछ छूट दे दी थी। दरअसल कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं मिस्र के आपूर्ति मंत्री अली अल मोहसेअली ने बताया कि वह भारत के साथ गेहूं के बदले अपने उत्पादों की अदला बदली का समझौता कर सकते हैं। इसके लिए मोहसेअली ने काहिरा में भारतीय राजदूत से बातचीत की थी। तब 5 लाख टन गेहूं के इस समझौते पर चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले तुर्की को गेहूं भेजा गया था, लेकिन उसने रूबेला वायरस की शंका का बहाना बनाकर गेहूं भारत वापस भेज दिया था। तो ये थी बात गेहूं की कि गेहूं संकट के बीच अफ्रीकी देश मिस्र ने भारत के साथ एक बड़ी डील की है। वहीं गेहूं को लेकर पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण संकट बना हुआ है। युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। कई देशों में गेहूं की भारी कमी बनी हुई है।